अकबर की कामयाबी वाकई हैरत अंगेज है। उसने उत्तर और मध्य भारत की मुख्तलिफ इकाइयों को एकता के सूत्र में पिरोया। उसके बेटे जहांगीर और पोते शाहजहां ने उसके बनाए ढांचे को कायम रखा और उसकी पैरवी भी की। ये दोनों किसी गैर मामूली काबिलियत के हुक्मरान नहीं थे, फिर भी उनके अहद हुकूमत कामयाब रहे क्योंकि जो दस्तूर अकबर ने कायम किया था उन्होंने उसी को आगे बढ़ाया। उनके बाद आया औरंगजेब, इन दोनों से ज्यादा लायक लेकिन एक अलग ही सांचे में ढला हुआ। उसने अपने लिए नया रास्ता इख्तियार किया और अकबर के विरसे को खाक में मिला दिया। शाहजहां के दौर में मुगल शान व शौकत बुलंदी पर थी, साथ में जवाल के भी आसार नुमायां होने लगे। तानाशाही का बोलबाला था, दरबार में साजिशों और मौका परस्ती का जाल फैल चुका था। अकबर की उदारता, फराख दिल्ली और कुशल शासन व्यवस्था गुजरे जमाने की यादें बनकर रह गईं। हालात बद से बदतर होकर मुसीबत को बुलावा दे रहे थे। औरंगजेब ने अपने वालिद को नजरबंद करके अपने शासन की शुरुआत की। तख्त पाने के लिए उसने अपने भाइयों को भी नहीं बख्शा। इतिहासकार जदुनाथ सरकार हमें बताते हैं, शाहजहां ने साफ तरह से जाहिर कर दिया था कि उसका वली अहद दारा शिकोह था। दारा अपने परदादा अकबर की तरह रोशन ख्याल था, मगर जंग और सियासत के मैदान में उसका तजुर्बा बहुत कम था, जबकि उसके मुकाबले में खड़ा औरंगजेब दोनों का माहिर था। 29 मई 1658 को आगरा से 8 मील दूर समूहगढ़ में औरंगजेब और मुराद बख्श की फौजों का मुकाबला शाही फौजों से हुआ। दारा शिकोह के पास 50,000 से ज्यादा सिपाही थे जो जल्दी में जमा किए गए। औरंगजेब के पास कोई 40,000 आदमी थे जो लड़ाई में सधे थे और हर तरह से तैयार थे। लड़ाई में दारा की बुरी तरह शिकस्त हुई। दारा भाग कर आगरा पहुंचा, मगर शर्मिंदगी की वजह से शाहजहां के सामने तक नहीं गया बल्कि दिल्ली रवाना हो गया ताकि औरंगजेब के खिलाफ फौज जमा कर सके। 1 जून 1658 को औरंगजेब जख्मी मुराद को साथ लेकर आगरा पहुंचा और उसने नूर मंजिल में कायम किया। हालांकि औरंगजेब ने मुगल सल्तनत को दक्षिण की ओर बढ़ाया, बीजापुर और गोलकुंडा पर फतेह पाई, दूर दक्षिण से नजराना हासिल किया, लेकिन उसकी सल्तनत की चूलें ढीली पड़ रही थीं और चारों ओर दुश्मन खड़े होने लगे। 1679 में शिवाजी ने जजिये के फिर से राइज करने पर औरंगजेब को एक खत में लिखा, खबर मिली है कि मेरे खिलाफ लड़ाइयों की वजह से आपके खजाने खाली हो गए, इसलिए आपने हुक्म जारी किया है कि जजिये के नाम पर हिंदुओं से पैसा जमा किया जाए। हुजूर, आपके पूर्वज जलालुद्दीन अकबर, नूरुद्दीन जहांगीर और बादशाह शाहजहां चाहते तो वो भी जजिया दायर कर सकते थे, मगर उन्होंने दिलों से तंगनजरी हटा दी थी क्योंकि उन्हें एहसास था कि हर इंसान, अमीर और गरीब, खुदा की तख्लीक है और वो मुख्तलिफ मजहबों के गवाह हैं। तभी उनकी धन दौलत में इजाफा हुआ और उनका इकबाल बुलंद हुआ, मगर हुजूर के राज्य में फौज में अफरा तफरी फैली है, व्यापारी दुखी हैं, मुसलमान रोते हैं, हिंदू आग में उबलते हैं, कई किले और सूबे आपकी गिरफ्त से निकल गए और क्योंकि मेरी तरफ से तबाही मचाने और उन्हें बर्बाद करने में कोई कोताही नहीं होगी, बाकी भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। सन 1707 में तकरीबन 90 साल की तवील उम्र के बाद औरंगजेब की मौत हुई। फौरन तैयारियां शुरू हो गईं कि किसी तरह वो बेशकीमत विरसा हथियाया जाए जो उसने छोड़ा था, यानी हिंदुस्तान। औरंगजेब के राज्य के आखिरी दिनों में मुगल सल्तनत के अलग अलग हिस्सों में जन आंदोलन शुरू होने लगे। सरहद के पठान कबीलों, मथुरा के जाट किसानों, गरीब सतनामियों और औरंगजेब की सख्ती के कारण सिखों ने बगावत की। ये सारी बगावतें एक फजीहत तो थीं,
मगर मुगल सल्तनत को असली खतरा मराठों की बढ़ती शक्ति से था। शाहजहां के जमाने में ही शाहजी भोंसले नाम के मराठा सरदार ने सिर उठाया था, लेकिन मराठों का गौरव और मुगल सल्तनत की आफत अगर कोई बना तो वो था उसका बेटा शिवाजी, जो 1630 में पैदा हुआ था। शिवाजी 19 बरस का ही था जब उसने पश्चिमी घाटियों में रहने वालों का एक ऐसा जबरदस्त गिरोह तैयार किया जो उस पर मर मिटने को तैयार थे। वसी मुगल सल्तनत में चारों तरफ पुनरुत्थान का जज्बा फैल रहा था, जो धर्म और कौमियत का मिश्रण था। उस जमाने की कौमियत आज की धर्मनिरपेक्ष कौमियत से यकीनन मुख्तलिफ थी। उस पर सामंतवादी, मुकामी और मजहबी जज्बात का रंग चढ़ा था। शिवाजी भी एक खास मजहबी कौमी जागृति के नुमाइंदे थे। आर्थिक बदहाली और जनता की तबाही ने जमीन तैयार की थी, जिसे सींचा और पाला पोसा तुकाराम और रामदास जैसे संत कवियों ने, और जिसकी फसल तैयार की शिवाजी ने। पश्चिमी घाटियों के साथियों के गिरोह की मदद से शिवाजी ने कई किलों पर कब्जा जमाया और औरंगजेब के सिपह सालारों को खूब परेशान किया। दक्कन के मुगल हाकिम उसे इतने खौफजदा थे कि वो अपनी हिफाजत के लिए उसे धन देने लगे। यही वो चौथ यानी लगान का चौथा हिस्सा था जिसे मराठा जहां जाते वहां वसूल करते। इस तरह मराठा शक्ति बढ़ती गई और मुगल सल्तनत कमजोर होती गई। शिवाजी की मौत के कुछ दशक बाद मराठों का प्रधानमंत्री, जो पेशवा कहलाता था, राजा पर हावी होकर असली सत्ताधारी बन बैठा। दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला इतना कमजोर हो गया था कि उसने सारे दक्कन में चौथ वसूल करने का मराठों का अधिकार मंजूर कर लिया। इतना ही नहीं, पेशवा बाजीराव ने मालवा, गुजरात और मध्य भारत पर भी कब्जा जमा लिया। 1737 में उसकी फौजें सीधे दिल्ली के दरवाजों पर जा पहुंची। ऐसा लगता था पूरे हिंदुस्तान पर मराठा छा जाएंगे। उत्तर भारत पूरी तरह पस्त और बर्बाद हो गया। फिर नादिर शाह के जानशीन अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पानीपत के पुराने जंगी मैदान में मराठों की एक बड़ी फौज को बुरी तरह हराया। पानीपत की हार ने मराठों को ऐन उसी वक्त कमजोर किया जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में एक बड़ी ताकत बनना चाह रही थी। 1707 में औरंगजेब की मौत हुई। इसके बाद के 100 साल में मुगल सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और हिंदुस्तान के सियासी इख्तदार के लिए मुख्तलिफ ताकतें लड़ रही थीं। ये थी दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा टीपू, मध्य, पश्चिम और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मराठा संगठन, और बाहर से आए अंग्रेज और फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों को शिकस्त देने के बाद अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाया। पहले अंग्रेज गवर्नर क्लाइव ने छल कपट और जाली दस्तावेजों के जरिए मैदान हमवार किया। फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी गई। लड़ाई बहुत छोटी सी थी, मगर इस छोटी सी लड़ाई का नतीजा बहुत बड़ा था। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद बादशाह ए दिल्ली को भी अंग्रेजों के सामने झुकना पड़ा और वो उनका वजीफादार बन गया। अब बिहार और बंगाल में अंग्रेजों की ताकत को नकारने वाला कोई बाकी नहीं रहा। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत करने के लिए कायम हुई थी और उसके पास जो फौज थी वो तिजारत की हिफाजत के लिए थी। रफ्ता रफ्ता और दूसरों की नजरों से छुपाकर उसने अपने अधीन इलाके को बढ़ाना शुरू किया, मुकामी झगड़ों में कभी इसका कभी उसका पक्ष लेकर, जिसके बदले में कंपनी ने दबाकर कीमत वसूल की। यह समझा गया
कि ये भाड़े की फौजें हैं, जो चाहे दाम देकर इस्तेमाल कर सकता है। ये हकीकत जब खुली कि अंग्रेज दूसरों के लिए नहीं खुद अपने लिए लड़ रहे हैं और हिंदुस्तान के मालिक बनना चाहते हैं, तब तक उनकी ताकत मुल्क में खूब मजबूती के साथ जड़ पकड़ चुकी थी। फ्रांसीसियों को हरा कर, मैदान से भगाकर और बंगाल पर कब्जा जमाने के बावजूद दक्षिण में अंग्रेजों को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मैसूर के हैदर अली उनके सख्त मुखालिफ थे। हैदर अली एक गैर मामूली इंसान था जिसने काबिले जिक्र किरदार निभाया। उसे हिंदुस्तानी कौमियत का एहसास था, वो दूरंदेश था, इसलिए उसे औरों से पहले अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से खतरे का एहसास हुआ। 1769 में ऐन मद्रास की फसीलों के छाए तले हैदर अली ने अपने हक में अंग्रेजों से एक समझौते को मंजूर करवाया और उसकी मौत के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान अंग्रेजों को बदन में फंसे कांटे की तरह सताता रहा। मैसूर के टीपू सुल्तान को आखिरकार 1799 में अंग्रेजों ने शिकस्त दी। तो मैदान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर और मराठा संगठन के आखिरी मुकाबले के लिए साफ हो गया। मगर मराठा सरदारों में आपसी रंजिश थी, लिहाजा वो बंटकर अंग्रेजों से लड़े और एक एक करके हराए भी गए। 1818 तक मराठा संगठन को पूरी तरह हार माननी पड़ी और मध्य भारत के मराठा सरदार भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए। अब अंग्रेज हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से के मालिक बन बैठे। बर्तानिया के हिंदुस्तान पर हावी होने और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने का राज था उसका नई मशीनी सभ्यता को सबसे पहले अपनाना। मगर हिंदुस्तान में उन्होंने जानबूझकर बदलाव को रोकने की नीति अपनाई। यूं तो तब्दीलियां भी हुई और तरक्कियां भी, मगर बरतानवी नीति की बिना पर नहीं बल्कि उसके बावजूद। पश्चिमी तहजीब का असर हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से पहले बंगाल में हुआ, क्योंकि वो बरतानिया के कब्जे में 50 साल पहले आ चुका था। न सिर्फ वो बरतानवी हुकूमत का मरकज और राजधानी था, उसने अंग्रेजी तालीम पाए हिंदुस्तानियों के पहले समूह भी तैयार किए। 18वीं सदी में उसके आखिर में बंगाल में एक अजीम शख्सियत उभर कर आई, राजा राम मोहन राय, जो अपने आप में नई और पुरानी तालीम के संगम थे। वो महज एक विद्वान या विचारक नहीं, बल्कि सबसे पहले एक सुधारक थे। सती प्रथा के खिलाफ जो आंदोलन उन्होंने किया, उसी की बिना पर अंग्रेजी हुकूमत ने इस प्रथा पर पाबंदी लगाई। राजा राम मोहन राय फिर इंग्लैंड से कभी वापस नहीं लौटे। उनकी विदेश यात्रा काफी सफल रही। सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति के रूप में हर जगह लोगों ने उन्हें सम्मान दिया। 1833 में उनकी मृत्यु हो गई, मगर मौत से पहले उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा कर ही लिया। इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल ने रूढ़िवादी सती समर्थकों की अर्जी नामंजूर कर दी। सती प्रथा पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई। उन्नीसवीं सदी शुरू से आखिर तक पुनर्जागरण का दौर था। अंग्रेजी साहित्य और दस्तूर की सराहना और हिंदुस्तानी रीति रिवाज के कुछ पहलुओं की निंदा हुई, साथ में सियासी सुधार की मांग बढ़ी। मगर ये सब बंगाल के ऊंचे वर्गों तक ही महदूद थे। अंग्रेजों से ताल्लुकात की वजह से जो बदलाव बंगाल में हुआ, उसका असर बाकी हिंदुस्तान में भी हुआ, मगर इतनी शिद्दत से नहीं।